जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हां दोस्तों, 27 मार्च आप लोगों की लास्ट डेट है और ऐसे में दोस्तों काफी ज्यादा अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो कब से शुरू होगा, कब इनका रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है। साथ ही बात करने वाले हैं कि इस बार टोटल नंबर ऑफ कितने कैंडिडेटों को रिटर्न में क्वालिफाई किया जाएगा, क्योंकि काफी बड़े बदलाव भाई इस बार के बीएसएफ रिक्रूटमेंट में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो इस बार आप लोगों का सबसे पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और रिटर्न एग्जामिनेशन में मतलब दोस्तों फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेटों को, कितने गुना कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की होगी या नहीं होगी, स्क्रूटनी का प्रोसेस कब से आप लोगों का शुरू होगा, साथ ही किन अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, साथ ही बात करने वाले हैं कि किन ट्रेडों में सबसे कम कंपिटिशन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों के पास में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। बीएसएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों सबसे पहले इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस रिक्रूटमेंट में जो टोटल आप लोगों की वैकेंसी है वह 1284 वैकेंसी है, मतलब 1284 पदों पर रिक्रूटमेंट होने वाला है। और इससे पहले आप लोगों को बताया 2021 में एक रिक्रूटमेंट हुआ था जो कि सबसे बड़ा ट्रेड्समैन का रिक्रूटमेंट था, 2788 पदों का, जिसका एग्जाम वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ट्रेड टेस्ट वगैरह, फिजिकल वगैरह, अब उनका रिजल्ट आना बाकी है और जल्दी उनका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। और इस भर्ती का प्रोसेस है वो शुरू होने जा रहा है, 27 मार्च लास्ट डेट है। और बात करेंगे दोस्तों यहां पर कि पेपर का लेवल क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। पिछला पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा पिछला पेपर, जिससे आप देख सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या आता है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर कि कौन कौन सी पोस्टों में सबसे ज्यादा कंपटीशन इस बार देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस बार काफी वैकेंसी ऐसी है, काफी पोस्ट ऐसी है जिनके लिए दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हटा दिया गया और उसके अलावा उसके साथ में एनएसक्यूएफ का जो सर्टिफिकेट है वो लगा दिया गया। बात करते हैं दोस्तों यहां पर, अगर आपने भी कुक है, उसके साथ ही वोटर कैरियर और वेटर, अगर इन ट्रेडों से अगर आपने फॉर्म लगाया है तो आप लोगों का ट्रेड टेस्ट भी नहीं होगा, मतलब बिना ट्रेड टेस्ट आप लोगों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, मतलब फिजिकल पास होते ही आप लोगों का डायरेक्टली मेडिकल होने वाला। लेकिन बाकी के अदर जितने भी आप लोगों की ट्रेड है इन सभी में आप लोगों का ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा, क्योंकि इनमें दोस्तों अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था। अब बात करते हैं दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी कि इसका जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होने वाला और कब तक आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप यहां पे तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन की, तो हमारा नया एक टारगेटेड बैच आ चुका है, वर्दी बैच। जी हां दोस्तों, जिसमें आपको मिलेगी ऑल सब्जेक्ट की क्लासें आप लोगों को दी जा रही है, उसके साथ ही जो भी आपको क्लासे मिलेगी वो लाइव क्लासे भी मिलेगी और रिकॉर्डेड क्लासे भी मिलेगी। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक ये क्लासे चलने वाली और बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज आप लोगों की क्लियर की जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है 2021 में जो बीएसएफ ट्रेड्समैन का हमारा बैच आया था, वर्दी बैच, उससे दोस्तों 80% से ज्यादा क्वेश्चन है वो कोर्स से ही आए थे, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं और ट्रेडमैन के लेवल से ही आप लोगों को सारी की सारी चीजें मिलने वाली और एक एक बच्चे का डाउट यहां पर क्लियर किया जाता है भाई। उसके साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेगा, हर संडे टू संडे आपका लाइव टेस्ट करवाया जाएगा, उसके साथ ही जो कुछ भी पढ़ाएंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाएंगे वो सब कुछ बेस्ट फैकल्टी के साथ में आप सबको मिलने वाला है, वो भी बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर मात्र 499 रुपए में। तो अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और इसका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो रिटर्न के बेसिस पे होगा। जो रिटर्न में अच्छा स्कोर कर जाएगा उसको फाइनल सिलेक्शन से कोई भी इस बार नहीं रोकने वाला है, क्योंकि बहुत कम फॉर्म भरे गए। अगर बात करें 2021 के अकॉर्डिंग तो इस बार के रिक्रूटमेंट में नंबर ऑफ फॉर्मों की संख्या भाई काफी कम है। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल भी आप लोग कर सकते हैं। अब दोस्तों रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले बता दूं 1284 आप लोगों की वैकेंसी है, सबसे पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और रिटर्न में वैकेंसी के 6 गुना कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा। लगभग मैं बात करूं तो लगभग 7000 के लगभग कैंडिडेट ऐसे होंगे, 7000 के लगभग कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको रिटर्न एग्जामिनेशन में पास किया जाएगा, मतलब उनको फिजिकल के लिए यहां पर बुलाया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी फिजिकल क्वालिफाई होंगे उन्हीं अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा और उसके बाद में उनका मेडिकल, और मेडिकल के बाद में आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है।
अब बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि ट्रेड्समैन में भी आपने देखा होगा सीआरपीएफ वगैरह सभी में नेगेटिव मार्किंग लागू हो चुकी है, लेकिन अभी भी बीएसएफ ट्रेड्समैन में आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भाई नहीं होगी। तो नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं होने वाली है। दूसरी बात, पेपर के लेवल की बात करूं तो पेपर का लेवल बिल्कुल मॉडरेट आता है, और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 75 से 80 का टारगेट तो आपको लेके ही चलना पड़ेगा, तभी आप फाइनल सिलेक्शन बीएसएफ में ले सकते हैं। क्योंकि इसकी जो वैकेंसी है उसकी कट ऑफ जाती है वो स्टेट वाइज जाते हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर 40, 45 और 50 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाता है, कुछ बड़े राज्य हैं जहां पर दोस्तों आपको 80-85 तक भी स्कोर भाई करना पड़ेगा। उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जाम डेट की बात करते हैं कि एग्जाम आप लोगों का कब तक होगा, कितना समय मिलेगा। तो 27 मार्च आप लोगों की लास्ट डेट है, उसके बाद में आप लोगों का पहले पड़ाव में आप लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन ही होने वाला है, और रिटर्न से पहले आप लोगों का बीएसएफ की तरफ से स्क्रूटनी का प्रोसेस करवाया जाएगा कि किन के फॉर्म एक्सेप्ट होने वाले, किन के फॉर्म रिजेक्ट होने वाले। तो जिन भी बच्चों के फॉर्म एक्सेप्ट होंगे उन सभी के एडमिट कार्ड है वो बीएसएफ भाई जारी करेगा, और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं लगभग आपका एग्जाम है वो मई तक होने के पूरे पूरे चांसेस है। मई लास्ट या जून आप मान के चलिएगा, मई लास्ट या जून पेस्ट में आप लोगों का एग्जाम है वो बीएसएफ कंडक्ट करवाने वाली है। क्योंकि दोस्तों इसका कारण है कि जो पिछला बीएसएफ का रिक्रूटमेंट था उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जिसकी वजह से इसका थोड़ा सा एग्जाम डिले होगा, नहीं तो इसी का आप लोगों का एग्जाम बीएसएफ है वो अप्रैल या मई में आप लोगों के शुरू में ही करवा लेती। और एग्जाम जो होगा वह ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा, ओमआर बेस्ड होने वाला है, ओमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, और ऑल ओवर इंडिया सभी राज्यों में आप लोगों के सेंटर बनने वाले हैं। जहां जहां पर बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है उन्हीं जगहों पर आप लोगों के एग्जामिनेशन के सेंटर यहां पर बीएसएफ की तरफ से बनवाए जाएंगे। दोस्तों आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, कौन सी ट्रेड से अप्लाई किया आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएगा। रोज शाम दोस्तों 8 बजे आप लोगों की क्लासे चलती है, और आज आपकी शाम 6 बजे पूरा का पूरा आप लोगों के सामने पेपर लेके आ रहे हैं लाइव क्लास यूट्यूब पर, तो बिल्कुल वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। उससे आपको आइडिया लगेगा कि पेपर का लेवल क्या आता है और किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन भाई पुटअप होते हैं, तो बिल्कुल मिस नहीं करें। आज शाम 6 बजे आप लोगों को लाइव क्लास यहाँ पर यूट्यूब पर मिलने वाली है, पूरा का पूरा पेपर आप लोगों को हल करवाया जाएगा। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।